धूम 4 को लेकर काफी रूमर्स फैला हुआ है। कभी इस मूवी में शाहरुख खान का नाम सामने आता है तो कभी ऋतिक का तो कभी रणबीर कपूर का। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि अभी तक इस मूवी का प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं हुआ है और ना ही किसी एक्टर को लेने की बात कही गई है। धूम 4 में कौन सा एक्टर निगेटिव रोल करेगा इसका कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले तो न्यूज आई थी कि धूम 4 के लिए रणबीर कपूर को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन इसका कुछ भी पता वता नहीं चल रहा है। दोस्तों ये एक अफवाह थी और अफवाह की तरह चली भी गई। ऋतिक रोशन को लोग दोबारा से धूम 4 में देखना चाहते हैं और उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। शाहरुख खान का भी नाम धूम 4 के लिए जुड़ चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान धूम 4 को करेंगे। अब ये तो मेकर्स के ऊपर निर्भर करता है कि तीनों स्टार्स में से किस स्टार को धूम 4 के लिए लिया जाएगा या फिर किसी नए एक्टर को मौका दिया जाएगा।